प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में 2025 तक क्षय रोग को भगाने के लिए एनजीओ और सामाजिक संस्थाओं द्वारा टीबी मरीजों को गोद लिए गए लोगों को राज्यपाल आनंदीबेन ने प्रेरणा पत्र देकर सम्मानित किया, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर एसके तिवारी ने बताया कि राज्यपाल महोदया ने कहा है कि सभी अधिकारी एनजीओ एक टीबी मरीज को जिनकी उम्र 15 साल से नीचे की हो उसे गोद लें और उनके भरण पोषण का ख्याल रखें, समय समय पर उन्हें इलाज मिल रहा है कि नहीं उसका भी ध्यान दें। सीएमओ ने बताया कि जिले में अब तक गोद लिए लोगों को माननीय महामहिम ने सर्टिफिकेट प्रदान किया है, जिससे उनका उत्साहवर्धन हो सके। इस संबंध में टीबी मरीज को गोद लिए व्यापारी नेता योगेंद्र नाथ दुबे और सीएमओ डॉक्टर एस के तिवारी ने बताया। मोबाइल से कर लो योगेंद्रनाथ दुबे, अध्यक्ष दवा विक्रेता समिति गोरखपुर। राज्यपाल मैडम आनंदीबेन द्वारा यह पत्र दिया गया है। क्षय रोग कार्यक्रम चल रहा है, उसमें तमाम 220 बच्चे करीब हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं, उनको गोद लेना है और उनकी देखरेख करनी है। उनको ट्यूबरक्लोसिस के जो भी बच्चे हैं, तो उसमें एक डीएम साहब ने बच्चा गोद लिया है, सीएमओ साहब ने लिया है, एक बच्चे को मैंने भी गोद लिया है। तो उन बच्चों की देखरेख है, उनको दवा का वितरण ये कराना है कि वो समय से दवा खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, उसकी देखरेख करनी है, उसकी सूचनाएँ करनी है। आज राज्यपाल महोदया उसमें बहुत खुश थी कि गोरखपुर में इतने 220 बच्चों में 30-40 बच्चे तो गोद ले लिए गए हैं, लेकिन बाकी जो बच्चे हैं उनके लिए उन्होंने बल्कि यूनिवर्सिटी प्रशासन से भी ये निवेदन किया है कि जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, जो कुलाधिपति हैं और जितने टीचर्स हैं, वो अगर बच्चों को गोद ले लेंगे तो जो 220 बच्चों की संख्या है वो ख़त्म हो जाएगी और टीबी रोग कम से कम गोरखपुर से जड़ मुक्त से ख़त्म हो जाएगा। जैसा आप सबको मालूम है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक घोषणा की है कि पूरे देश को 2025 तक टीबी मुक्त किया जाएगा। उस दिशा में बहुत ही तेज़ी से कार्य हो रहा है और इसमें हमारे एनजीओ साथी भी सहयोग करते हैं, जैसे आईएमए है, लायंस क्लब है, रोटरी क्लब है और केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन है और अन्य भी हैं। इसमें माननीय महामहिम महोदया के द्वारा एक प्रेरणा दी गई है सबको कि सभी अधिकारी और सभी एनजीओज एक बच्चे को, जो 15 साल से नीचे के बच्चे टीबी से पीड़ित हैं, एक बच्चे को गोद लें, उनके भरण पोषण का ख्याल रखें, समय समय पर उनको इलाज मिल रहा है कि नहीं, इन सब बातों का ध्यान दें। उसी संदर्भ में इस जनपद में जो अभी तक 15 लोगों ने गोद लिया है, उनमें से 15 लोगों को सर्टिफिकेट माननीय महोदया ने प्रदान किया है। टोकन के रूप में 5 लोगों को बुलाकर अपने हाथों से उन्होंने ये सर्टिफिकेट दिया है, जिससे उनका उत्साहवर्धन हुआ है और हम लोग इसमें और अच्छा काम करेंगे। अभी भी हम प्रदेश में तीसरे स्थान पर हैं अच्छा कार्य करने में ट्यूबरक्लोसिस के क्षेत्र में, और हमें उम्मीद है 2025 तक गोरखपुर टीबी मुक्त हो जाएगा। संघ के साथ मीटिंग थी तो जिसमें उन्होंने निर्देश दिया कि हर व्यक्ति जो हमारे कॉलेजेज हैं प्लस जो जिला प्रशासन के लोग हैं, सब लोग ऐसे बच्चों को एक एक गोद लें जो कि टीबी से ग्रसित हैं, और एक एक बच्चे को गोद ले लेंगे तो निवारण उसका जो है हो सकेगा और पूरा हमारा समाज टीबी के रोग से मुक्त हो सकेगा।